कांग्रेस की जो गुटबाजी ने मेरा सिर कलम कर दिया, टक्कर में मानता ही नहीं, आज सरकार नाम की चीज कहाँ है। मैं एक ऐसा शख्स हूँ, बरौदा हल्का का एक आशीर्वाद है जो 36 बिरादरी के मतलब मेरे को प्यार करते हैं, कोई नर्वसनेस नहीं है मेरे प्रति, कोई नर्वसनेस नहीं है। सिर्फ कहीं जैसे ये भी होता है कोई पॉलिटिकल जो स्टैंड है वो तो नहीं है अगर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप खड़े? नो, पॉलिटिकल स्टैंड नहीं, मेरा अपना स्टैंड है। आप देख रहे हैं हरियाणा 36 लाइव, 36 बिरादरी की आवाज। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, मैं आशीष सांगवान हरियाणा 36 लाइव पर आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज का दिन रहा काफ़ी असमंजस की जो स्थिति थी, तमाम पार्टियों ने जो है नामांकन किया। और अभी जो है वो हम जो मौजूद हैं वो डॉक्टर कपूर नरवाल जी की कोठी है। कांग्रेस पार्टी का जो लगातार ये लग रहा था कि जो टिकट है वो कांग्रेस पार्टी की डॉक्टर कपूर नरवाल को मिलेगी, लेकिन एक स्थिति ऐसी भी रही जहाँ उनका टिकट काट दिया गया। और आज जो है उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उन्होंने फार्म जो है वो अपना फिल किया है। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कपूर नरवाल, इनसे जो है वो बातचीत करेंगे कि क्या कुछ जो है स्थिति रहेगी, क्योंकि एक पंचायती उम्मीदवार के तौर पर जो है वो अभी ये इलेक्शन जो है वो लड़ेंगे। और जो बलराज कुंडू हैं उन्होंने भी इनका समर्थन किया है, तो इनसे ही जो है वो बातचीत करेंगे कि क्या कुछ माहौल जो है अगली बार बड़ौदा उपचुनाव के बारे में, जो है इनकी जो टिकट है वो क्लियर लगभग ये है कि सर एक मिनट आप ये दे दीजिए, तो इनसे ही बातचीत करेंगे कि क्या कुछ जो है इनकी तैयारियाँ हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का और आपकी पूरी टीम का और आपके दर्शकों का। लगातार डॉक्टर साहब ये बातें चली हुई थी कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपका जो टिकट क्लियर है, ऐसी क्या परिस्थितियाँ रही कि जो है वो आपका टिकट काट दिया? देखिए, कांग्रेस की जो गुटबाजी ने मेरा सिर कलम कर दिया और उसका जवाब बड़ौदा हल्का ही पब्लिक देगी आने वाले 3 तारीख को। हम पंचायती उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो आज जो आपने नामांकन किया सर, कैसा कुछ रिस्पांस जो पब्लिक की तरफ से आपको मिला? आप पब्लिक देखो, सुबह 6 बजे पब्लिक आनी शुरू हुई थी, अब तक भी आप सिस्टम देख रहे हो। एक शर्त भी ये लगाई जा रही थी कि जैसे मेरे को टिकट मिलेगी तभी मैं जो है वो इसको ज्वाइन करूंगा कांग्रेस को, तो क्या कुछ है ये? मेरे को ऐसा कोई वो नहीं, ना मैंने कही और ना अगले ज्वाइन करने की कही। मेरे को तो भूपेंद्र हुड्डा ने क्लियर ये कहा था कि भी आपको बड़ौदा हल्का से सर्वे करवा लिया, आप 30-40 हज़ार वोटों से जीतेंगे बीजेपी से और आपको 100% चुनाव लड़वाएंगे। सर, बीजेपी पार्टी की तरफ से जो है योगेश्वर दत्त को मैदान में उतारा गया है, तो कहां तक जो है वो टक्कर आप मानते हैं? टक्कर में मानता ही नहीं, योगेश्वर दत्त एक खिलाड़ी है, राजनीतिक नहीं है। जितनी वोट पीछे आई थी, 37,000 समथिंग आई थी, उससे भी कम वोट आएंगे। उधर से मैं बड़ौदा हल्का का बेटा हूँ, बड़ौदा हल्का मेरी टिकट है जी। और लोगों को इतना गुस्सा है भूपेंद्र हुड्डा के प्रति कि वो इसका बदला 3 तारीख को लेंगे जी। बलराज कुंडू ने भी जो है वो आपको समर्थन किया है? बलराज कुंडू मेरा दोस्त है, जोगिंदर सिंह मोर मेरा दोस्त है, जोगिंदर सिंह मोर भी इंडिपेंडेंट फार्म भर के आया है, वो कल बड़ौदा में वो अपना हमने सभा रखी है उसमें समर्थन देगा। और बहुत सारे लोग दूसरी पार्टियों के भी आएंगे, वो भी हमारे को समर्थन देंगे। तो नरवाल साहब, जैसे जो उपचुनाव होता है वो 95% सरकार के पक्ष में जाता है, गठबंधन है तो क्या मायने सरकार का? क्या मतलब सरकार, आज सरकार नाम की चीज कहाँ है? MRP देखो आप, MSP देखो, बाजरा किसानों का 1200 रुपये बिक रहा है जबकि सरकारी रेट 2150 है। इसी तरह PR का रेट आप लगाओ, गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। और ये हम हमारी लड़ाई है, किसान और मजदूर की लड़ाई है जी। और बड़ौदा हल्का का एक एक किसान और मजदूर मेरे साथ है जी। तो नरवाल साहब, जैसे 36 बिरादरी का मतलब मैं एक ऐसा शख्स हूँ, बड़ौदा हल्का का एक आशीर्वाद है जो 36 बिरादरी के मतलब मेरे को प्यार करते हैं, मैं उनसे प्यार करता हूँ, उनका मेरे ऊपर आशीर्वाद है। और मैंने 2 चुनाव लड़े हैं, दोनों के दोनों में मैं 2nd पोजीशन पर रहा हूँ। तो इसलिए लोगों में एक बड़ा ये जुनून था कि अभी कांग्रेस की टिकट मिल जाए डॉक्टर कपूर सिंह को,
तो एक तरफा इलेक्शन करेंगे और होना भी ऐसे था, लेकिन अब भी दोनों पार्टियों को मजा चखा के हम विधानसभा में पहुंचने का काम करेंगे और उपलब्ध हल्का के लोगों की एक एक दूरी, एक एक जो भी कठिनाई है उनको दूर करने का काम करें। डॉक्टर साहब, जैसे पब्लिक जो आप पे विश्वास जताती है, बड़ौदा हल्के की जनता अगर आप पे विश्वास जताती है, आपकी अगर जीत दर्ज होती है, तो सबसे पहला काम बड़ौदा में आप क्या कुछ करवाएंगे? बड़ौदा में देखो मेन काम है हमारा, मेन काम जी, ये गलियां वलियां चुटर पुटर की हो जाती है, एक हमारे लो लाइंग एरिया है जी, वहां से निजापुर, भावड, गढ़वाल, हरंडाणा, धनाणा, बनवासा, छपरा, ये 6-7 गांव ऐसे हैं पिछले 20-25 साल से लो लाइंग एरिया है ये, और इसमें सारी फसल खराब हो जाती है और सरकार कोई मुआवजा नहीं देता। सबसे पहले हम गवर्नमेंट के साथ लड़ाई करके या भलाई करके उनकी ये ड्रेन का सिस्टम बनाने का काम करें, लोगों का पीने का पानी मुहैया कराएंगे, लोगों के एग्रीकल्चर पानी मुहैया कराएंगे। सरकार की तरफ से जो है वो एक मेडिकल कॉलेज की जो यहाँ पे घोषणा की गई है, तो क्या कुछ उसका भी कुछ मेडिकल कॉलेज कहाँ, मेडिकल कॉलेज की कहाँ घोषणा की है? मेडिकल कॉलेज तो ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ खानपुर में मेडिकल कॉलेज तो बना हुआ है, डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज बनता है। और भी घोषणा जो है सीएम साहब की तरफ से की, सीएम साहब की तरफ से घोषणाएं की है, घोषणाएं मात्र घोषणाएं होती है, घोषणाएं मात्र घोषणाएं होती हैं, और ये 10 दिन के बाद ये इनकी घोषणाएं बंद हो जाएंगी और लोगों का बेवकूफ बना के ये जाते रहेंगे। सर, कहीं जैसे ये भी होता है कि कोई पॉलिटिकल जो स्टंट है वो तो नहीं है अगर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप खड़े? नो, पॉलिटिकल स्टैंड नहीं, मेरा अपना स्टैंड है, लोगों के आशीर्वाद से स्टैंड है, और चुनाव लड़ेंगे और आने वाली 3 तारीख को आपको दिखा देंगे बड़ौदा हल्का की पूरी जनता जी अपने बेटे को, मेरी टिकट भी बड़ौदा है, मेरी किसी की टिकट नहीं, मेरी टिकट भी बड़ौदा है, और आने वाले 3 तारीख को अपने बेटे को विधानसभा में भेजने का काम। सर, परसों हम यहाँ पे जो है आपकी टिकट जब बातचीत चली हुई थी कि जो है डॉक्टर कपूर नरवाल की टिकट लगभग फाइनल मानी गई थी, हम जो आपकी कोठी में यहाँ पे आए थे, हमने माहौल देखा था, करीबन जो है बड़े बुजुर्ग यहाँ पे मौजूद थे, कांग्रेस पार्टी के झंडे नारे वगैरह बाजी थी, अभी कार्यकर्ताओं में नर्वसनेस है, तो क्या कुछ होगा? कोई नर्वसनेस नहीं है मेरे प्रति, कोई नर्वसनेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये नर्वसनेस है कि भाई कांग्रेस पार्टी ने इनको बहका के इनका नाड़ काटने का काम किया है, ये नर्वसनेस बहुत ज्यादा है लोगों में, इस बात का पूरा गुस्सा है कि भाई कांग्रेस पार्टी ने बहका के इनको टिकट काट दिया और इन्होंने एक चाल के तहत मेरे को राजनीति से बाहर करने की कोशिश की है, और लेकिन मेरे को पूरा विश्वास है बड़ौदा हल्का है जो मेरे बड़ौदा की टिकट है, ये लोग मेरे प्रति बड़े, मैं इनके प्रति बड़ा आश्वस्त हूँ, और ये आने वाले 3 तारीख को आप देख लेना रिजल्ट क्या है। मेरा आखिरी सवाल ये है सर, आपके अपनी जीत से कितने आश्वस्त हैं? मैं 100% आश्वस्त हूँ जी। तो ये हमारे साथ जो हो डॉक्टर कपूर नरवाल थे, कहीं कांग्रेस की टिकट में जो सबसे पहले जो नाम इनका उछल रहा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है टिकट काट दी गई, और आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो इन्होंने पंचायती उम्मीदवार के रूप में इन्होंने फॉर्म फिल किया है। अभी आने वाले टाइम में देखना ये होगा कि क्या कुछ रिस्पॉन्स जो है बड़ौदा की जनता देती है, और बड़ौदा चुनाव की पल पल की अपडेट जो हमारे चैनल पर हम आपको देते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसका जो बेल आइकन है वो बेल आइकन भी दबा ले। मैं आशीष सांगवान, हरियाणा 36 लाइव, गोहाना। धन्यवाद। बड़ौदा उपचुनाव की पल पल की अपडेट के लिए हरियाणा 36 लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।